हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए देखे फनी हंसने के लिए लाए हैं। हंसिए, खूब हंसिए, दिल खोल के हंसिए और दूसरों को भी हंसाइए। देखिए, पत्नी और पति एक दिन बहुत खुश होते हैं, दोनों खुशी जाहिर करते हैं, तो पत्नी इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि पति से कहती है कि हमारी शादी को 25 साल हो गए, इतने साल कैसे बीत गए पता नहीं चला। तो बेचारा पति नाराज मूड में कहता है, समय का पता से कैदी को चलता है, जेलर को नहीं। तो अभी आप जिस समय से गुजर रहे हैं उसका महत्व को समझिए, उसको आप व्यर्थक मत पहुंचाइए, क्योंकि आपका गार्जियन आपके ऊपर जो समय बिता रहे हैं उस समय फिर से वापस नहीं आएगा। तो कैदी ही समय के महत्व को जानता है, जेलर नहीं, क्योंकि जेलर को तो प्रत्येक माह सिर्फ एम रहता है कि हमें पैसा आ जाएगा और उसका परिवार का जीवन चल जाएगा। लेकिन एक कैदी को पता चलता है कि आज हमारे लिए कितना बड़ा दिन है, आज किस रास्ते से हम गुजर रहे हैं, किस समस्या से गुजर रहे हैं, उसका एहसास सिर्फ और सिर्फ कैदी को होता है, जेलर को नहीं। तो ये पति पत्नी कितनी अच्छी हंसी में कहा। दूसरा हम बोलते हैं, कहता है गलती पेट के गैस की तरह होती है। गलती जो होती है वो पेट की गैस की तरह होती है, खुद की है तो बुरी नहीं लगती। पेट गलती जो है वो पेट की गैस की तरह होती है, खुद की है तो बुरी नहीं लगती और दूसरी की हो तो बर्दाश्त नहीं होती। अगर गलती खुद का है तो हमें बुरा नहीं लगेगा, और अगर गलती कोई और का है तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सोचिए, तो गलती अगर खुद की है तो उसे भी बुरा मानिए, और अगर दूसरों की भी है तो उसे भी समझाइए कि गलती मत कर दोस्त, अच्छे काम करो, अच्छा रिजल्ट ला, ताकि आपका गार्जियन का अच्छे नाम हो। तीसरा है, लड़के वाले और लड़की वाले दोनों रिश्तेदार की खोज कर रहे थे। लड़की वाले बेचारे बहुत परेशान थे कि हमारे किसी लड़के के यहाँ शादी हमारी बच्ची की सेट हो जाए। तो किसी प्रकार से लड़के वाले के पास जाते हैं, लड़के वाले राजी हो जाता है कि हाँ शादी करें। तो बात देखा देखी तक पहुंच जाता है। अब देखा देखी तक पहुंच जाता है तो लड़के वाले बोलते हैं कि हाँ हमें लड़की पसंद है। तो लड़की के पिताजी बोलते हैं तो शादी कब करनी है। तो लड़के वाले जवाब देते हैं कि पर हमारा लड़का तो अभी पढ़ाई कर रहा है। तो लड़के वाले भी उसे सटीक जवाब देते हैं, तो हमारी लड़की क्या किताबें फाड़ रही है। तो हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारा वीडियो आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट के लिए लाता रहे। जय हिंद।